नमस्कार, मैं नीति सैन। बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नरेला में छापेमारी करते हुए ड्रग पेडलर महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला के पास से हेरोइन भी बरामद की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। बाहरी उत्तरी दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक बार फिर नरेला में छापेमारी करते हुए एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास से सूचना मिली कि नरेला की पुनर्वास कॉलोनी पॉकेट 4 सेक्टर A6 में अवैध तरीके से हेरोइन की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर खास के बताई गई जगह पर छापेमारी की और वहां से एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास से उम्दा क्वालिटी की 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।